नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जेम में यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है। बहुत आसानी तरह से मैं आपको प्रोडक्ट में अपलोड करने के लिए बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। इसमें देखिए जेम में प्रोडक्ट की अपलोडिंग किस प्रकार की जाती है, वेरीफाइड कहाँ से होता है, इस सभी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। इस चलिए वीडियो शुरू कर रहे हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलते हैं। गूगल क्रोम पे जेम लॉगिन लिख कर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जेम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारा ये प्रोफाइल खुल गई है। कृपया ध्यान से देखिएगा कि प्रोडक्ट की अपलोडिंग कैसे की जाती है। कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट वाले में, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन में जाते हैं। दोस्तों यहाँ ये प्रोडक्ट हैं जो हमारे अप्रूव हो चुके हैं पब्लिशिंग के लिए, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी पब्लिशिंग के लिए अप्रूव अभी तक नहीं हुए हैं। ये दोस्तों पूरी पब्लिशिंग के लिए अप्रूव हो गए हैं और वो अप्रूव नहीं हुए हैं। ये दोस्तों देखिएगा डिफ़ॉल्ट, ये वो प्रोडक्ट बच जाते हैं जो या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है या किसी कारणवश इनकम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करके अपन देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जेम में प्रोडक्ट की अपलोडिंग पता चल जाए कैसे की जाती है। ये दोस्तों देखिए जैसे हमने प्रोडक्ट की अपलोडिंग वो करी, प्रोडक्ट का केवल नाम भर डालते हैं, बाकी सब कुछ अपने आप ले लेता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट बता रहा है, चलिए दूसरा इसको डिलीट मारना पड़ेगा। इसको अपन डिलीट कर देते हैं, जो भी ड्राफ्ट रहते हैं या इनकम्प्लीट या वहाँ से रिजेक्ट किए हुए उनको डिलीट करना अनिवार्य हो अनिवार्य रहता है, जिससे कि हम दोबारा पुनः उन्हीं प्रोडक्ट का अपलोड कर सकें। चलिए दोस्तों मैं आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग कैसे की जाती है नए प्रोडक्ट की उसके बारे में हम जानकारी देंगे। ये देखिए जैसे हमने लिख दिया सीपीयू, दोस्तों सीपीयू नहीं कंप्यूटर, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना होगा। इसका सर्वर स्लो चलता है, कृपया धीमी गति से चलना पड़ता है। ये सभी वो प्रोडक्ट हैं जो जेम की आईडी पे मौजूद रहते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने क्लिक कर दिया है, या प्लीज वेट मांग रहा है। कुर्सी है, सीपीयू है, टेबल है, कई प्रकार के प्रोडक्ट इसमें रहते हैं, केबल है, ये पेपर, इसका सर्वर धीमी गति से चलता है दोस्तों, इसलिए हमको भी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल में को कैसे अपलोड करेंगे पूरी जानकारी,
ये देखिए दोस्तों, ये सभी भरना अनिवार्य रहता है। जैसे ही आप टेबल पर क्लिक करेंगे दोस्तों, नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सेल्स दिस आइटम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेल्स दिस आइटम पर क्लिक करेंगे, नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सर्वर धीमी गति से चलता है, इसलिए प्लीज जब तक ये पेज ओपन नहीं हो जाता तब तक हमको प्रतीक्षा करनी होगी। ये दोस्तों खुल गया है, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये ओके बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये देखिए सब कुछ फिलअप रहता है। इसमें केवल आपके एजेंसी का नाम, एजेंसी का नंबर, डेट, वैलिड डेट कब से कब तक है, इसके बारे में पूरी जानकारी भरना पड़ता है। उसके बाद ही आगे हम सबमिट कर पाएंगे। सर्वर के कारण हम धीमी गति से चल रहे हैं दोस्तों, इसका सर्वर स्लो चलता है। जैसे ही खुल जाता है, इसमें अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद दुकान का नाम डालना पड़ता है। आप भी उसी प्रकार कीजिएगा जैसा कि हम कर रहे हैं। हमने दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया और दुकान का नाम डाल रहे हैं दोस्तों। जो भी आपका शॉप का नाम हो वो अपनी शॉप का नाम डालिएगा। जो भी जानकारी भरिएगा बिल्कुल सही सही भरिएगा, नहीं तो आपका ये जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें वो डेट डालते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जैसे मेरा 2017 में हुआ था रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई को। नीचे वाले में भी डाल देते कब से कब तक ये वैलिड है। इसमें आपको डालना है, जैसे इसमें माँ का 1000 डाल देते हैं दोस्तों। इसमें जो भी है सेंटर जोन है, जो भी आपको जोन में आपको वर्क करना है वो पूरे जोन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके आपके पास जो भी सामान हो मौजूद उसके बारे में जानकारी देना है। उसके बाद सबमिट कर देना दोस्तों। ये देखिए पूरी तरह से सबमिट हो गया है। उसके बाद ये देखिए पूरी जानकारी भरी हुई है। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार आप करिएगा। ये देखिए दोस्तों पूरी जानकारी भरी हुई है, ऑटोमेटिक भर जाती है, इसमें हमको पूरा भरना नहीं पड़ता। ये देखिए टेबल भी अपलोड हो गई है। उसके बाद दोस्तों रिव्यू कंडीशन पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। चेक्स बॉक्स पर क्लिक करने के बाद पब्लिशिंग के लिए अप्लाई कर देना है। ये दोस्तों देखिए हमारा सबमिट हो गया है पब्लिशिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट जो हम अपलोड किए हैं वो कहाँ पर है। इसका सर्वर धीमी गति से चलता है दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे वीडियो बढ़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये पब्लिशिंग के लिए भेज दिया गया ऊपर से कंप्यूटर टेबल जो हाईलाइट है। ये देखिए दोस्तों हमने हाईलाइट कर दिया है जिससे कि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक उसी प्रकार आप करिएगा। ये वो प्रोडक्ट हैं जो अभी तक वेरीफाइड नहीं किए गए हैं CMO की ओर से। यह दूसरे प्रोडक्ट के लिए है, दूसरा प्रोडक्ट भी उसी प्रकार आप अपलोड कर सकते हैं जैसा पहले कंप्यूटर टेबल का अपन किए थे। जो भी आपको प्रोडक्ट अपलोड करना हो इसमें से सर्च करके आप देख लीजिएगा। जैसे दोस्तों हम कीबोर्ड सर्च कर रहे हैं, कीबोर्ड प्रोडक्ट अपलोड करना है,
जो भी आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे वही प्रोडक्ट अपलोड करिएगा। ये हमने क्लिक कर दिया दोस्तों, ये सर्वर के कारण बाहर कर दिया दोस्तों। इसका सर्वर बहुत धीमी गति से चलता है। पुनः उसी पोजीशन पे आ जाते हैं दोस्तों, फिर से सेल्स फार पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से प्लीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों नए टाइम में। जब तक ये घूम रहा है दोस्तों तब तक हमको प्रतीक्षा करनी होगी। ये देखिए कैंसिल ओके का बटन आता है, ओके पर अपने को क्लिक करना है जिससे कि ये पूरी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो जाए। ये देखिए दोस्तों हमारी पूरी जानकारी ऑटोमेटिक फिल हो गई है, केवल हमको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी शॉप या एजेंसी का नाम डालना है। ये हम एजेंसी का नाम डाल रहे हैं या शॉप का नाम, जो भी हो। यहाँ पर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन की डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर भी आप कब से कब तक ये वैलिड है पूरी जानकारी पूर्णतः सत्य भरनी है। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ रेंज भर देना है, कितने पे अपने को छूट देना है। उसके बाद जोन चूज करना है, जो जो जोन में आप वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद ओके कर देना। इसमें ऊपर वाले में क्वांटिटी लिखना दोस्तों, जिसमें हम 0 लिख रहे हैं, सेव पर क्लिक कर देना। कंडीशन क्लोज कर देना है। चेक्स बॉक्स पर क्लिक करने के बाद पब्लिशिंग के लिए भेज देना। देखिए दोस्तों जैसे ही पब्लिशिंग के लिए भेज देंगे उसके बाद आप पब्लिशिंग पे जाकर आप चेक कर सकते हैं आपका कीबोर्ड पब्लिशिंग के लिए है या फिर अप्रूवल के लिए। ये दोस्तों हमारा कीबोर्ड पब्लिशिंग के लिए आ गया है। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।